स्वागत है आप सबका इंग्लैंड वुमेन टूर ऑफ इंडिया के अंदर। यह पहला T20 आई है जो खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के ऊपर। मैच टाइमिंग है शाम के 7 बजे। तो बहुत ही बढ़िया आपको एक और सीरीज देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले सीरीज का फिक्स्चर देखते हैं। तो 11 दिन का एक टूर है जिसके अंदर आपको 3 T20I के मैचेस देखते हैं जो सारे वानखेड़े स्टेडियम के ऊपर खेले जाएंगे। 6 दिसंबर को पहला मैच है, 9 दिसंबर को दूसरा T20I और तीसरा और अंतिम T20I 10 दिसंबर को खेला जाएगा। फिर हम आएंगे नवी मुंबई के अंदर, DY पाटिल स्टेडियम के ऊपर एकमात्र टेस्ट मैच है जो 4 दिन का होगा। आगाज होगा 14 दिसंबर को और 17 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। तो बहुत कम आपको वुमेन मैचेस के अंदर टेस्ट मैच देखने को मिलते हैं, वो भी आपको इस सीरीज में देखने को मिलने वाला है। और आप देखो इस वीडियो में टोटल 80 स्लाइड्स है जो आपको हेल्प करेगी बेस्ट फैंटेसी टीम बनाने के अंदर। सबसे पहले हम पिच रिपोर्ट देखेंगे, मेरे पास पिचेस की फोटोज है। रिसेंटली यहाँ पर इंडिया ए वुमेन वर्सेस इंग्लैंड वुमेन ए के बीच में मैचेस हुए थे, उनमें क्या देखा था उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या ऑब्जर्वेशंस थी। फिर हम देखेंगे यहाँ पर हर एक प्लेयर के हेड टू हेड नंबर्स, वेन्यू नंबर्स, प्लेयर का फॉर्म और फिर आखिरी के अंदर मैचेस, किस बॉलर ने किस बैटर को कितनी बार आउट किया ये जानना जरूरी है। टैक्टिकल डेटा, टीम्स ऑफ स्पिन को कैसा खेली है 2021 से लेकर अभी तक, लेग स्पिन को कैसा खेली है, सब हम देखेंगे। तो वीडियो देखना आपको पूरा मजा आ जाएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। क्या फायदा है, लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। ज्वाइन कैसे करना है लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। अब फायदा क्या है, यहाँ पर मैं आपको पिचेस की फोटोज दूंगा, प्लेइंग 11 दूंगा और फाइनल टीम्स पोस्ट करके दूंगा। टेलीग्राम नहीं है तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, इसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। पिच रिपोर्ट देखते हैं, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई का मैदान है, बड़ा खूबसूरत ग्राउंड है, मुंबई की माया नगरी है आप कह लो। और इस वेन्यू के ऊपर आप देखो 3 दिसंबर को मैच हुआ इंडिया ए वीमेन वर्सेस इंग्लैंड ए वीमेन के बीच में, 3 मैच की सीरीज थी, तीनों मैच में क्या होता उसकी बात करते हैं। तो आप देखो सबसे मेन चीज आपको ध्यान रखनी है, वानखेड़े स्टेडियम पे लाल मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, पिच के अंदर आपको बाउंस देखने को मिलता है, टर्न देखने को मिलता है और बैटर फ्रेंडली कंडीशन होगी। ये नाइट मैच है, रात के अंदर बॉल स्किड करके बैट के ऊपर अच्छी गति से आती है तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी। अब देखें स्कोरिंग पैटर्न समझते हैं, इंडिया ए वीमेन यहाँ पे पहले बैटिंग करने आई, 101 पे पूरी टीम सिमट गई और लो स्कोरिंग मैच हुआ था ये वाला जो पिछला मैच हुआ था 3 दिसंबर को, उसमें फिर आती है इंग्लैंड की टीम चेस करने, वीमेन्स की ए टीम थी वो, उन्होंने 19.1 ओवर के अंदर टारगेट चेस कर लिया। ईशी वॉन्ग प्लेयर ऑफ द सीरीज बनती है, प्लेयर ऑफ द मैच बनती है, बहुत शानदार उनकी पारी थी। फिर इससे पहले 149 बना ये टीम इंडिया ने बनाया था 9 विकेट गवा के। फिर जो टीम चेस करने आती है इंग्लैंड वीमेन ए, ये 19 ओवर के अंदर टारगेट चेज कर जाती है। इस मैच के अंदर भी ईशी वॉन्ग का बहुत बड़ा योगदान था जीत दिलाने के अंदर और हॉली एर्मिटेज का भी। फिर इससे पहले 134 बना इंडिया ए वीमेन ने बनाया और फिर इंग्लैंड वीमेन चेस करने आती है और वो 3 रन से पीछे रह जाती है। तो आप देखेंगे जो यहाँ पे 3 मैचेस हुए थे ना, वो तीनों मैचेस बड़े क्लोज हुए थे, लास्ट ओवर तक पता नहीं लग रहा था कौन सी टीम जीतेगी। ये दर्शाता है आपको कुछ ऐसी सीरीज देखने को मिल सकती है और मेरे लिहाज से आपको 150 का स्कोर तो कम से कम यहाँ पे बनता दिखना चाहिए। ये इनकी बैकअप टीम थी जो यहाँ पर अभी रिसेंटली खेली थी इंडिया ए और इंग्लैंड ए वीमेन की, बट ये रेगुलर टीम्स इस मैच में खेलेगी। हाई क्वालिटी आपको बैटर्स दिखेंगे, हाई क्वालिटी बॉलर्स दिखेंगे, पिच भी बहुत बढ़िया होगी, नाइट मैच है तो मैं मान के चल रहा हूँ 155-160 यहाँ पे एक मिनिमम पार स्कोर देखा जाएगा। अब देखिए इंडिया वीमेन इस वेन्यू के ऊपर पहली बार खेलने वाली है और आपको जान के आश्चर्य होगा इस वेन्यू के ऊपर दूसरा T20 लड़कियों का, इससे पहले वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड वीमेन का एक बार मैच हुआ था सिर्फ। तो ये बहुत बड़ा मैच होगा इंडिया वीमेन के लिए, इंग्लैंड वीमेन भी इस वेन्यू के ऊपर पहली बार खेलने वाली है। बैटिंग फर्स्ट इस वेन्यू के ऊपर एक मैच जीते गए, चेस करते हुए 2 मैचेस जीते गए। वानखेड़े स्टेडियम के ऊपर टीम आमतौर पर चेस करना पसंद करती है और ये तो रात वाला मैच है तो शॉर्टली जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी का फैसला करेगी। और जो लास्ट मैच था इंडिया ए वर्सेस इंग्लैंड ए वीमेन का, उस मैच में 7 विकेट था पेसर का, 10 विकेट स्पिनर्स निकाले थे और उस पूरी सीरीज के अंदर 3 मैचेस में 17 विकेट थे पेसर्स के, पहली पारी में 13, दूसरी पारी के अंदर 4। तो पहली पारी के अंदर आप पेसर्स को इंपॉर्टेंस ज्यादा दे सकते हैं जो डेथ ओवर में बॉलिंग करने आएंगे। राइट आर्म पेसर्स का 11, लेफ्ट आर्म पेसर्स का 6 विकेट है। और स्पिनर्स की बात करें 27 विकेट्स हैं, पहली पारी में 13, दूसरी पारी के अंदर 14, ऑफ स्पिनर्स का 17, लेग स्पिनर्स का 1, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 9 विकेट है। और इस वेन्यू पे अंडर द लाइट्स आपको स्विंग देखने को मिलेगा क्योंकि हमने अफगानिस्तान के जो मैचेस हुए थे, इवन बहुत सारे मैचेस यहाँ पे हुए थे वर्ल्ड कप के अंदर, तो स्विंग देखने को मिला था रात वाले गेम्स के अंदर। ये देखो आप पिच, ऐसी पिच थी रिसेंटली जो
इंडिया ए वर्सेस इंग्लैंड ए की वीमेंस की सीरीज हुई थी, ये वर्ल्ड कप के पीछे सेमीफाइनल हुआ था, आप याद करो, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का। ऐसी यहाँ पे पिचेस दिखती है और इस विकेट में आपको बाउंस दिखता है, तो आप आगे बॉल डालोगे ना थोड़ा सा तो भी बॉल टॉप ऑफ द स्टंप जाके लगती है, ये नहीं आप पीछे डालो तो जाके स्टंप पे बॉल लग रही हो। सामने की बाउंड्री यहाँ पे 74 मीटर होती है, स्क्वायर बाउंड्रीज आपको 60 मीटर की देखने को मिलने वाली है। और इस वनी पे टर्न होता है, जी हाँ, मुंबई के ऊपर 2.7 डिग्री एवरेज टर्न देखने को मिला था इस वर्ल्ड कप के दरमिया। ये देखो आप, ऐसा स्टेडियम का व्यू आता है, खूबसूरत ये ग्राउंड है, शानदार ये स्टेडियम का व्यू आता है। पीछे आपको मरीन ड्राइव दिख जाती है जहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स इंग्लैंड वीमेन के घूम रहे थे, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगा रहे थे। तो ये देखो ऐसा व्यू स्टेडियम का, ये खास स्टेडियम है, खूबसूरत ग्राउंड है, पास के अंदर स्टेशन है रेलवे। ये देखो क्या व्यू आ रहा है भाई, सब स्पेशल पिच रिपोर्ट है फ्रॉम द वानखेड़े स्टेडियम। कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बताना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन दबा दो। न्यूज़ की बात करते हैं, इंडिया की तरफ से रेणुका सिंह और ऋचा घोष वापसी कर रही हैं, राजेश्वरी गायकवाड़, उमा छेत्री जो कीपिंग बल्लेबाजी करती हैं, देविका वैद्या को ड्रॉप किया गया है, श्रेयंका पाटिल, शाइक अशाक और एम कश्यप को यहाँ पे मेडन कॉलअप मिला है। इंग्लैंड की बात करें, एनएस मतलब नेट्स यू ब्रेंट एक्लिस्टन वापसी कर रही हैं, मैका गौर, बैसेत अपनी स्पॉट को रिटेन कर रही हैं, कैट क्रॉस और लॉरेन फाइलर को ड्रॉप कर दिया गया है, इशू वंक भी जगह नहीं है जो प्लेयर ऑफ द सीरीज रही थी ए वाली सीरीज के अंदर। दोनों टीम्स ने 29 मैच खेले T20I के अंदर, 7 इंडिया जीती शॉकिंगली और इंग्लैंड 20 मैचेस जीती है, 2 मैच नो रिजल्ट गए। 11 की बात करते हैं, मंदना ओपन करेगी शैफुली वर्मा के साथ, जमेमा रोड्रिगीज वन डाउन आती हैं, फिर आपको हरमनप्रीत कौर दिखती है, ऋचा घोष, अमनजोत कौर, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्ताकर, श्रेयंका पाटिल ऑफ स्पिनर है, रेणुका सिंह, साइक अशाक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, मीनू मनी भी खेल सकती हैं ऑफ स्पिनर है, टिटा सुंदू राइट मीडियम फास्ट गेंदबाज है, मन्नत कश्यप लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। इंग्लैंड वीमेन डैनी वाइट ओपन करेगी सोफिया डंकली के साथ, एलेक्स कैप्सी वन डाउन है, नेट सुरबन टू डाउन आती हैं, हेदर नाइट कप्तान 3 डाउन, एमी जोन्स, फ्रेय कैंप लेफ्टी बैटर लेफ्ट आर्म पेसर है, चार्ली डीन मेरे लिहाज से 3 स्पिनर्स इस मैच में खेलने चाहिए, चार्ली डीन, एक्लिस्टन, सारा ग्लेन, लॉरेन बेल इनके पास एक स्विंग बॉलर का ऑप्शन अवेलेबल है, स्विंग बॉल यहाँ पे होती है तो लॉरेन बेल पे आप नजर रख सकते हो और यहाँ से इंडिया से आप रेणुका सिंह पे नजर रख सकते हो, ये दो बॉलर स्विंग अच्छा कराते हैं। प्लेयर के स्टैट्स देखते हैं, स्मृति मंदना 18 मैचेस खेली है टूट के अंदर अगेंस्ट इंग्लैंड वीमेन, 41 की औसत है, 660 रन्स है, 142 का स्ट्राइक रेट है, 7 अर्धशतक इंग्लैंड के खिलाफ 18 मैचेस में, बैटिंग फर्स्ट 11 मैचेस में 363 रन्स है, 33 की औसत है, बट चेस के ऊपर 7 मैच में 300 रन्स है, 60 की लगभग औसत है, इस मैदान पे 14 रन्स है, जो ट्रेल ब्लेजर्स का वो सब मैच होता था आप याद करो, सुपरनोवास वुमेन्स T20 लीग होती थी जिसमें 5-6 मैचेस सारे होते थे IPL के बीच के अंदर, तो उसमें इन्होंने खेला था 2018 के टाइम पे, तो मंदाना ने 14 बनाया था बैटिंग फर्स्ट करते हुए, फॉर्म 14-7-27-4-8-2-39-41-0-19 सीरियस क्रिकेटर हैं ये, जहाँ पे पिच अच्छी मिलती है रन्स करती है, रिसेंट इनका टूर रहा था बांग्लादेश के अंदर, वो आप जानते हो कि पिचेस कैसी होती है। शैफुली वर्मा 10 मैचेस में 150 रन्स है अगेंस्ट इंग्लैंड, 15 की औसत है, 101 स्ट्राइक रेट है, बैटिंग फर्स्ट 8-48-0-15-14-5, चेस के ऊपर 30-0-20-8, फॉर्म 9-17-66, 4 रन 0 विकेट, 11 रन 0 विकेट, 19 रन 3 विकेट, 0 रन 1 विकेट, 11-21-33-8-0-76 बाद। स्लो विकेट्स पे बहुत ज़्यादा बॉलिंग करती हैं, इस वनडे पे शायद ज़्यादा जरूरत ना पड़े, 1-2 ओवर डालने आ सकती है क्योंकि हरमनप्रीत कौर इन पे ट्रस्ट करती है और 1-2 ओवर करा लेती हैं। जेमेमा रोड्रिगेस 10 मैचेस में 19 की औसत है, 150 रन्स है, बैटिंग पर 26-2-23-44 नाबाद, चेस के ऊपर 7-2-11-26-13, इस वनडे के ऊपर 3 मैच में 49 रन्स है, बैटिंग फर्स्ट 25, चेस के ऊपर 18-6। फॉर्म की बात करें, बहुत ही अच्छे टच के अंदर थी है, जो वुमेन्स की T20 की लीग भी थी जिसमें वेस्ट जोन होता है साउथ जोन होता है उसके लिए खेल रही थी है, 42-20 नाबाद, 47 नाबाद, 24-14-19-23-9 और कड़क फॉर्म में ये प्लेयर जेमेमा रोड्रिगेस। होम ग्राउंड है, लोकल प्लेयर है जेमेमा यहाँ की मुंबई की, 23 मैचेस में 23 की औसत है, 431 रन्स है, 100 का स्ट्राइक रेट है, 1 भी 50 नहीं आई है इस टीम के खिलाफ, इंग्लैंड के 2 विकेट हैं, बैटिंग पर 16 मैचेस में 317 रन्स है, 21 की औसत, चेस के ऊपर 7 मैच में 114 रन से 28 की औसत है, इस वनडे पे 21 रन से चेस करते हुए 0 विकेट है, फॉर्म 1 नाबाद 2 विकेट, 0 रन 0 विकेट, 1 रन 0 विकेट, 22 रन 1 विकेट, 37 रन 1 विकेट, 10-45-47-52 नाबाद 13। यह था इनका WBPL के अंदर मेलबर्न रेनेगेड्स की तरफ से। ऋचा घोष
सात मैचेस में 124 रन से 138 का स्ट्राइक रेट है, हार्ड हिटर ऑफ द बॉल, लंबे लंबे हिट मारने आती हैं, इनिंग्स को एसोलेट करने की कोशिश करती हैं। चार कैच चार स्टंपिंग इन्होंने करी है, बहुत अच्छी कीपर बल्लेबाज है। रिसेंटली लास्ट ईयर डीवाई पाटिल स्टेडियम के ऊपर आपने देखा होगा 5 मैचेस की सीरीज भी थी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया वीमेन की, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें जो रिचा घोष थी ना, इसने बहुत नाम कमाया था। लास्ट मैच हिटिंग करती थी, बैटिंग फर्स्ट 8-20, 16-33, चेस के ऊपर 47 ओवर, स्पेशल प्लेयर हो सकती कीपिंग सेक्शन से, बैटिंग फर्स्ट 16, चेस के ऊपर 29 क्रॉस होता पूरे T20 फॉर्मेट के अंदर। फॉर्म 9, बैटिंग नहीं आई, 21 नवाद, 29, 34, 21 है, तो सीरियस क्रिकेटर ही है, बंगाली है। अमनजोत कौर T20I के अंदर 8 मैच में 58 रन 1 विकेट है, और इतना खास इनका T20I स्टार्टअप नहीं रहा। फॉर्म नीचे, 1 रन 0 विकेट, 1 विकेट 10 रन 3 रन, ये ऐसा फॉर्म है। दीप्ति शर्मा 16 मैचेस में 150 के ऊपर रन है, एग्जैक्टली 200 रन है, और करीबन इसके 14 विकेट है, ठीक है। 7.4 की इकोनॉमी है, 26 का स्ट्राइक रेट है, बॉलिंग फर्स्ट 7 मैच में 7, बॉलिंग सेकंड के अंदर 9 मैचेस के अंदर 7 विकेट है, 5 बार विकेटलेस गई हैं दीप्ति शर्मा अगेंस्ट इंग्लैंड। बैटिंग फर्स्ट 8 मैच में 142 रन है, चेस के ऊपर 5 मैच में 49 रन है, इस वेन्यू पे 21 रन है और 0 विकेट है बॉल सेकंड करते हुए। तो देखते हैं इस मैच में कैसा प्रदर्शन दे पाती है। स्टार क्रिकेटर है, वन ऑफ द मोस्ट हाईली रेटेड क्रिकेटर फ्रॉम इंडिया आती हैं। फॉर्म 1 रन 1 विकेट 0 विकेट, 1 रन 0 विकेट 0 रन 1 विकेट, 20 रन 1 विकेट, इस तरह से फॉर्म है। पूजा 8 मैचेस के अंदर 2 विकेट 46 रन है, 8.7 की इकोनॉमी, 60 का स्ट्राइक रेट है। रिसेंट फॉर्म इतना खास नहीं रहा है इनका, रोल भी इनका अनसर्टन रहता है, कभी कितने ओवर देते हैं कभी क्या कराते हैं इनसे। 3 मैचेस में 0 विकेट है, इस वेन्यू पे 6 ओवर बॉलिंग कर चुकी है, बट इस वेन्यू पे जब इसने बॉलिंग करी थी ना, इसकी इकोनॉमी कमाल की थी। यहाँ पर 3 मैच इसने खेले, हर मैच में 2-2 ओवर डाला और हर मैच के अंदर इसने 8-9 रन दिए थे 2 ओवर के स्पेल के अंदर। फॉर्म 2 रन 1 विकेट 4 विकेट 0 विकेट 7 रन 0 विकेट 2 रन 0 विकेट, तो देखते हैं इस मैच में क्या कर पाती हैं। श्रृंखला पाटिल T20 के अंदर 39 मैच खेलिए, 48 विकेट्स है, रिसेंटली इन्होंने CPL खेला, बहुत अच्छा काम किया, इंडिया ए वाली सीरीज में अच्छा काम किया, 3 मैचेस में 5 विकेट इस मैदान पे यहीं पे इन्होंने खेला था, वो डे मैचेस होते थे 1:30-2 बजे स्टार्ट होते थे, तो देखते हैं क्या कर पाती। रिसेंट फॉर्म 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 4 0 4 5 1, स्टार क्रिकेटर है ये। रनुका सिंह 5 मैचेस में 6 विकेट, स्विंगिंग कंडीशंस होगी, हल्का सा इनको हेल्प मिल सकता है। बॉलिंग फर्स्ट के अंदर 2 मैच में 6 विकेट, इस टीम के अगेंस्ट इसका पंजा आ चुका है एक बार। बॉलिंग सेकंड 3 मैच में 0 विकेट है, 3 बार विकेटलेस गई बॉल सेकंड करते हुए। फॉर्म 0-0-0-1-0-0-0-1-5-1, सरप्राइज फैक्टर है चली तो चली। साई का शाक 16 मैचेस का एक्सपीरियंस, 70 विकेट है। फॉर्म 0-2-1-0-0-0-3-3-2-4, अच्छी स्पिनर है वैसे भी। मिन्नू मनी 4 मैचेस में 5 विकेट है T20 इंटरनेशनल में, वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 5 विकेट है बॉलिंग सेकंड करते हुए। इंडिया ए वीमेन की इन्होंने कैप्टनसी करी थी इसी वेन्यू के ऊपर, बहुत अच्छी प्लेयर है, भी शांत है और अच्छी कैप्टन है, भी इस मैच में कैप्टन नहीं करेगी। यष्टिका भाटिया 15 मैच में 150 रन से T20 में खास नंबर्स नहीं। टीराज सिंधु 21 मैच में 22 विकेट है। कनिक आहूजा ठीक नंबर से, इतना स्पेशल नहीं। मनत कश्यप इस वेन्यू पे 3 मैच में 2 विकेट्स है, T20 के अंदर 17 में 22। स्टार्टिंग और रेणुका सिंह, दीप्ति शर्मा, पूजा, साइका शाह। डेथरो के अंदर रेणुका सिंह का 1 ओवर आएगा, दीप्ति का 1 या 2 ओवर आएगा, श्रृंखला पाटिल का भी 1-2 ओवर आ सकता है, साइका शाह जरूरत पड़ी तो उनको भी 1 ओवर दिया जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। डेनी वाइट 24 मैचेस खेली अगेंस्ट इंडिया, 550 रन है, 30 की औसत है, 129 का स्ट्राइक रेट, 250s है, बैटिंग फर्स्ट 8 मैच में 154 रन है, 19 की औसत है, बट चेस के ऊपर 39 की औसत है, 12 मैचेस में 389 रन है। वेन्यू में 24 किया था बैटिंग सेकंड करते हुए, जो वुमेन्स T20 का मैच हुआ था। फॉर्म 0-1-48-59-60-7, रिसेंट फॉर्म सही है। डंकली 11 मैचेस के अंदर 27 की औसत है, 163 रन है, 118 का स्ट्राइक रेट, बैटिंग फर्स्ट 14 नाबाद, 1-5-10, चेस के ऊपर अच्छे आंकड़े हैं, 4-19-61 नाबाद 49। फॉर्म 14-73-37, ये पूरे बिग बैश लीग के अंदर 3 मैचेस में चली थी 73 और 37 वाली पारी और 1-34 वाली। 7-2-0-0-17-8-1-5-9-10, ये सरप्राइज फैक्टर है, 3 मैच की सीरीज है, देखने लायक वो किस तरह से खेलती है। टेक्निक में थोड़ा सा इनका फॉल्ट रहता है, स्पिन के सामने फंसती हैं ये। रेणुका सिंह 5 मैचेस, रेणुका सिंह थ्रेट रह सकती है उनके लिए। अलाइस कैप्सी 5 मैचेस में 90 रन है,
जीरो विकेट है, स्टार क्रिकेटर है ये भी, बैटिंग फर्स्ट 3-4, 4 पे रन आउट हुई, चेस के ऊपर 38 नाबाद, 32 नाबाद, 13 पे रन आउट हुई, 2 बार तो अगेंस्ट इंडिया रन आउट हो चुकी हैं ये। रिसेंट फॉर्म अच्छा रहा, 0 43 रन, 1 विकेट, 24 रन, 2 रन, 0 विकेट, 23 रन, 0 विकेट, 27 रन, 0 विकेट, तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू दे सकती है बॉलिंग से भी। नेट्स योर ब्रांड, रिसेंट फॉर्म कमाल का है फॉर द पर्थ स्क्वॉचेस, खेल के आ रही थी WBBL में, 36 रन, 2 विकेट निकाला इन्होंने द चैलेंजर मैच के अंदर, 32 रन, 1 विकेट, 24 रन, 1 विकेट, बॉलिंग भी कर रही हैं, हेड टू हेड के अंदर 15 मैच में लगभग 400 रन्स है, 450 है, 7 विकेट हैं, बैटिंग फर्स्ट 6 मैच में 144, चेस के ऊपर 9 मैच में 231 रन्स है, देखने लायक होगा क्या करती हैं। हिदर नाइट 14 मैचेस में 241 रन्स, 150 है, थोड़ा सा इनका कद काठी कम हो जाता है T20 फॉर्मेट के अंदर, 6 मैचेस में 163 रन्स है बैटिंग फर्स्ट, चेस के ऊपर 7 मैच में सिर्फ 78 रन्स अगेंस्ट इंडिया। फॉर्म 25-38-2, 11-32 नाबाद, 8-45-38-0 विकेट, बॉलिंग बहुत कम करती हैं ये इंटरनेशनल के अंदर। एमी जोन्स 15 मैचेस में 246 रन्स है, 22 की औसत है, 4 कैच, 5 स्टंपिंग, बैटिंग फर्स्ट 15-26-1, 43-17-40, चेस के ऊपर 53 नाबाद, 5-1-11-31-3, तो अच्छे फॉर्म में थी ये रिसेंटली पर्स कोचेस के लिए, उसी नंबर पे खेल रही थी, नंबर 5 नंबर 6 पे जिस नंबर पे इंग्लैंड के लिए खेलती हैं ये, और अच्छी इनिंग्स वहाँ पे बिल्डअप करी थी। फ्रैक एम 4 मैच में 51 रन, 2 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 3 मैच में 2, बॉलिंग सेकंड 1 मैच में 0 विकेट है, 3 बार विकेट लस गई हैं। वेन्यू के ऊपर 3 मैचेस के अंदर 3 विकेट, 18 रन, बॉलिंग 2 बार करी जिसमें 3 विकेट इन्होंने निकाले। फिर कौन आती हैं यहाँ पर, एक्लिस्टोन 12 मैचेस में 13 विकेटें, 39 रन बल्ले से हैं, बॉलिंग फर्स्ट 8 मैच में 10 विकेट, बॉलिंग सेकंड 4 मैच में 3 विकेट है, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर, नंबर 1 T20I की गेंदबाज है ये, बहुत अच्छा स्पिन डालती है। फॉर्म 0 विकेट, 1 विकेट, 13 रन, 1 विकेट, 11 रन, 1 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, इस तरह से रहा है। चार्ली डीन हेड टू हेड के अंदर 0 विकेट बॉल सेकंड, 7.5 की इकोनॉमी, वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 4 विकेट बॉल फर्स्ट करते हुए अच्छा स्पेल रहा था। रिसेंट फॉर्म कमाल का है, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 5 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट। सारा ग्लेन 9 मैचेस में 10 विकेट है, 7.5 की इकोनॉमी है लगभग, 3.5 की, 7.3 की, 17 का स्ट्राइक रेट, बॉलिंग फर्स्ट 5 मैच में 7, बॉलिंग सेकंड 3 मैच में 4 विकेट है, लेग स्पिनर है, डंडों को टारगेट करती हैं, बहुत दफ़ा मार भी खा जाती हैं, अगर पिच में हल्का सा टर्न हुआ तो उनको हेल्प मिल सकती है। फॉर्म 0-2-0-0-4-1-3 इस तरह से रहा है। लॉरेन बेल 3 मैचेस में 1 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 1 मैच में 0, बॉलिंग सेकंड 2 मैच में 1 विकेट है, डेथर में भी बॉलिंग करेगी, नई गेंद से बॉलिंग करेगी, विकेट्स निकाल सकती है और बहुत कम विकेटलेस जाती है, 1 ना 1 विकेट निकालती है। फॉर्म देखो पिछले 10 इनिंग्स में सिर्फ 2 बार विकेटलेस गई है, 0-1-3-1-1-2-0-1-1-2-3-2-1 विकेट। मैं बुशीर खेल सकती हैं मिडल ऑर्डर के अंदर, स्टैट्स दिए हुए हैं। गिब्सन बहुत अच्छी ऑलराउंडर है, पावरफुल हिटर ऑफ द बॉल, अच्छी बॉलिंग बैटिंग दोनों कर लेती हैं। रिसेंट फॉर्म एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए बहुत अच्छा था WBBL में। माइका गौर लेफ्ट आर्म पेसर स्विंग कराती हैं, इनके नंबर्स भी दिए हुए हैं। वेन्यू पे 2 मैचेस में 2 विकेट बॉल फर्स्ट, बेस्ट है। स्टार्टिंग और लॉरेन बेल, फ्रैक कैम्प, एक्लिस्टोन, नेट स्यूर ब्रेंट, डेथ रो के अंदर आपको दिख सकती हैं लॉरेन बेल, एक्लिस्टोन, नेट स्यूर ब्रेंट और चार्ली डीन। मैचअप्स देखते हैं, स्मृति मंदना का मैचअप आपको नेट सूर्य के सामने देखने को मिलता है, 24 इनिंग्स में 5 बार आउट किया, 174 बॉल में 176 रन है। ज़्यादा दिक्कत इनको आई है गिब्सन से, 7 बॉल में 2 रन देके 2 इनिंग्स में 2 बार आउट किया। सारा ग्लेन ने 28 बॉल में 43 रन देके 7 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। एक्लिस्टोन ने 20 इनिंग्स में 4 बार आउट किया हुआ है। शैफुली वर्मा अगेंस्ट एक्लिस्टोन 8 इनिंग्स में 3 बार आउट किया, 50 बॉल में 39 रन देके। हेदर नाइट ने इनको 2 बार आउट किया, हेदर नाइट बॉलिंग कम करती है। ये भी आप पढ़ा करो, स्मृति मंदना अगेंस्ट ऑफ स्पिन T20 फॉर्मेट में 121 इनिंग्स में 40 बार आउट हुई हैं, 857 गेंद के अंदर 1100 के आसपास रन है। जेमेमा रोड्रिगेस अगेंस्ट सारा ग्लेन 5 इनिंग्स में 2 बार आउट कर चुके हैं, 31 बॉल में 39 रन है। एक्लिस्टोन ने 11 इनिंग्स में 3 बार आउट किया, 48 बॉल में 37 रन दे गए। हरमन प्रीत कौर वर्सेज एक्लिस्टोन 19 इनिंग्स में 4 बार आउट किया, वो कोई खास दिक्कत नहीं है, दिक्कत इनको सारा ग्लेन से आती है, 6 बार आउट किया 14 इनिंग्स में सारा ग्लेन ने कौर को 99 गेंद के अंदर 102 रन दे गए। रिचा गौस वर्सेज एक्लिस्टोन 59 गेंद 51 रन, 7 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। अमन ज्योत कौर वर्सेज एक्लिस्टोन, दीप्ति शर्मा वर्सेज एक्लिस्टोन, डेथर में आती इस वजह से पूजा वस्ताकर वर्सेज एक्लिस्टोन 29 बॉल 10 रन मात्र, 1 बार आउट किया 8 इनिंग्स में। यस्तिका वर्सेज चार्ली डीन, डैनी वाइट का देखते हैं तो आप रेणुका सिंह 6 इनिंग्स में 3 बार आउट कर चुकी हैं, वही नई गेंद वाला थ्रेट है, या तो आर या तो पार, डैनी वाइट की इनिंग्स
29 बॉल में 34 रन है, 6 इनिंग्स में 3 बार आउट किया। दीप्ति ने 151 बॉल के अंदर 176 रन दिया, 20 इनिंग्स में 6 बार आउट किया। सोफिया डंकली अगेंस्ट दीप्ति 12 इनिंग्स में 5 बार आउट हुई है, 77 बॉल में 81 रन है। रेणुका ने 67 बॉल में 71 रन देके 8 इनिंग्स में 3 बार आउट किया। तो रेणुका और दीप्ति दोनों ओपोनेंट्स को परेशान करती हैं, देखते हैं इसमें से कौन विजय पाता है। कैफसी कोई खास मैचअप नहीं है, आप खुद पढ़ लें। नेट्स विल ब्रंट अगेंस्ट दीप्ति 21 इनिंग्स में 4 बार आउट किया, 161 बॉल में 155 रन देंगे। हेजर नाइट का अगेंस्ट दीप्ति 18 इनिंग्स में 3 बार आउट किया, 155 बॉल में 126 रन देंगे। एमी जोन्स की बात करें अगेंस्ट कोई खास मैचअप नहीं, रेणुका ने जरूर परेशान किया है। 21 बॉल में 8 रन देंगे, 5 इनिंग्स में 2 बार आउट किया रेणुका सिंह ने एमी जोन्स को, और कोई खास मैचअप नहीं है इनका, सबको मारा इन्होंने। फ्रैंक कैम वर्सेज दीप्ति, एक्लिस्टोन वर्सेज दीप्ति, रेणुका, दो नाम बहुत रिपीट हो रहे हैं मैचअप्स के अंदर, रेणुका और दीप्ति। और यहाँ से इंग्लैंड की तरफ से आपको नाम रिपीट होता हुआ दिखेगा एक्लिस्टोन का मोस्ट ऑफ द टाइम। अब देखते हैं टीम्स ऑफ स्पिन को कैसा खेली है सिंस 2021 इन T20 आई। इंग्लैंड वुमेन ऑफ स्पिन के सामने बहुत स्ट्रगल करी है, 19 की औसत है, 33 इनिंग्स के अंदर उन्होंने 70 विकेट दिया लगभग, 118 का स्ट्राइक रेट है। वही इंडिया ने ऑफ स्पिन को 64 विकेट दिया, 20 की औसत है 44 मैचेस में। इन्होंने तो 11 मैच ज़्यादा खेले इंग्लैंड से, तो भी विकेट्स कम दिए हुए हैं। लेग स्पिन की बात करें इंडिया स्ट्रगल करती है, 38 मैचेस में 38 विकेट दिया है, सबसे ज़्यादा मैच इन्होंने भी खेला है, इस वजह से 23 की औसत है। इंग्लैंड लेग स्पिन को बहुत अच्छा खेलती है, वैसे इंडिया के पास कोई लेग स्पिनर है भी नहीं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन, दोनों टीम से आपको एक ना एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर जरूर दिखेगा। इंडिया वीमेन अगेंस्ट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर 41 इनिंग्स के अंदर 53 विकेट दिया है, 20 की औसत, 107 का स्ट्राइक रेट है। इंग्लैंड बहुत अच्छा खेलती है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स को 32 की औसत है, 150 के आसपास स्ट्राइक रेट, 132 का है वैसे, 25 विकेट दिया 26 इनिंग्स के अंदर। लेफ्ट आर्म पेसर आपको दिख सकता है फ्रॉम इंग्लैंड अगेंस्ट इंडिया, 10 मैचेस में 6 विकेट दिया इंडिया ने अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर्स। और भाई साहब नो GST है एट माई मास्टर 11। कबड्डी के अंदर 1 करोड़ की लीडर बोर्ड चल रही है, बिग बैश लीग स्टार्ट हो रही है 7 दिसंबर से, और उसमें भी आपको लीडर बोर्ड देखने को मिलेगी, तो भाई पार्टिसिपेट कर लेना, लिंक मैंने आपको नीचे दिया है माई मास्टर 11 का, मैं खुद यहाँ पे खेल रहा हूँ तो खेल के देखना अच्छा लगेगा। कॉमन कैप्टन नेट्स विरबेंट एलेक्स कैप्सी, अलग जाना है तो मंदना एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, स्पेशली चेस पे, बैटिंग फर्स्ट में भी ट्राई कर सकते हैं। एक्लिस्टोन बोथ द इनिंग्स, दीप्ति शर्मा विद द बॉल स्पेशल रहेगी, जमेमा का फॉर्म अच्छा रहा है। चलते हैं फैंटेसी टीम्स की तरफ। नेट सीवर आपको सबसे बेस्ट कैप्टन से ऑप्शन दिखेगी, WBL में बहुत अच्छे फॉर्म में थी, गेंदबाजी भी कर रही हैं, कैप्सी वाइस कैप्टन किया है, 1-2 डालनी चाहिए मैच के अंदर, और वन डाउन बैटिंग करती है, आर्बिटर ऑफ द बॉल है, और वानखेड़े स्टेडियम भाई साहब बैटर्स को बहुत पसंद आता है, रास आता है स्टेडियम। रिचर्ड वॉश कीपिंग में सबसे टॉप, वंदना, डेनी वाइट, जमेमा और शैफुली वर्मा, ये दो ऐसे बैटर्स हैं जो कभी भी अपने दम पे मैच को पलट सकते हैं। शैफुली वर्मा आते हिटिंग करती हैं, विकेट फेंक के भी जा सकती है, और पार्ट टाइम 1-2 डालने आ सकती है। जमेमा से आप एक्सपेक्ट करिए विद द बैट कुछ ना कुछ अच्छी इनिंग्स खेले, बहुत अच्छे फॉर्म में थे डोमेस्टिक के अंदर। एक्लिस्टोन, लॉरेन बेल, शंकर पाटिल भी एक गोल्डन आर्म आज के टाइम पे, जो आती हैं, गेंदबाजी करती हैं, विकेटें निकालती हैं, और इंडिया के लिए बहुत अच्छा इसने काम किया था, 5 विकेट निकाले थे। कीपिंग में एमएस जोन्स भी आपके लिए बहुत अच्छी पिक रहने वाली है, बट बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे होता है। रिजर्व वॉश की बैटिंग आ जाती है जस्ट हरमनप्रीत कौर के बाद, प्रमोट भी कर दिया जाता है इनको, सबसे टॉप ऑप्शन है। हरमनप्रीत कौर आप लेके जा सकते हैं, फिलहाल मैंने नहीं लिया, मैं ऐसे प्लेयर की तरफ देख रहा हूँ जो इजीली आपको 50-60 पॉइंट दे जाए, कॉल भी दे सकती, मना नहीं करूँगा मैं, ये मेरा खुद का कॉल है, ऐसा स्टैट्स वाइज कॉल नहीं है। मंदना इंपॉर्टेंट, हेदर नाइट T20 फॉर्मेट के अंदर इतनी इंपैक्टफुल नहीं रहती, 4 या 5 में से 1 मैच में चलती हैं। वाइट क्लासिकल बैटर है, जमेमा रोड्रिगेज, शैफुली वर्मा इंपॉर्टेंट। डंकली की दिक्कत क्या आती है, टेक्निक के अंदर हल्का सा फॉल्ट है, अगर आपने मैचेस देखा हो, और दिक्कत यह है इनके साथ, एक बार चल गई ना तो बहुत बुरा मारती, इनको थोड़ा सा लक चाहिए रहता है हमेशा, आपने बिग बैश लीग में देखा होगा मेलबर्न स्टार्स के लिए, हल्का सा इनको लक मिल गया ना तो ये आपको 100 पॉइंट दे जाएगी इजीली, 50 करेगी, बोनस क्या मिलेंगे इनको, छक्के चौके के, स्ट्राइक रेट का ऐसी प्लेयर है ये, डाउन द ट्रैक बहुत अच्छा खेलती है वी के अंदर। वहीं पे इनकी कमजोरी, डंडों पे बॉल डाल लो, दीप्ति ने भी इनको बहुत परेशान किया हुआ है। नेट्स वेयर दीप्ति इंपॉर्टेंट, पूजा आपका कॉल रहेगा, कैप्स इंपॉर्टेंट है, मंजुनाथ कौर का योगदान मेरे को नहीं लग रहा। फ्रैंक कैंप एक अच्छी पंत हो सकती है जिसको जनता नहीं देख रही है, डैनियल गिब्सन है, फ्रैंक कैंप से जो खेलता है वो एक पंत रहेगा, याद रखना, वो एक क्रूशियल ऑलराउंडर हो सकता है जिसकी तरफ इंडिया टीम टारगेट करने की कोशिश करेगी बैटिंग करते हुए, और गेंद
बाजी के अंदर ये विकेट्स निकाल सकते हैं, बल्ले से भी रन्स कर सकती है गिब्सन, हमने देखा था एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए। बॉलिंग में एक्लिस्टोन इंपॉर्टेंट, लॉरेन बेल को फिलहाल ले रखा है एज ए 11th प्लेयर, सारा गेंद को लिया जा सकता है, रनर का स्विंग को भी लिया जा सकता है। चार्ली डीन खेलती तो सही है और बहुत अच्छी स्पिनर है, श्रेयंका पाटिल को मैंने बैक किया। स्ट्राइकर शाह ग्रैंड लीग के लिए टॉप पिक हो सकती है, देखते रहे स्टैट्स, मिलते हैं टेलीग्राम के ऊपर। लव यू गाइस, सी यू सून, ऑल द बेस्ट फॉर दिस बिग क्लैश।